तुम बिना के आते
हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे
वंश में
रघु जी के पुत्र महाराज दशरथ थे। उनका रथ दसों दिशाओं में था, दसों दिशाओं को विजय प्राप्त करने वाले थे, इसलिए उनका नाम दशरथ हुआ। वे युवा काल में एक बार शिकार करते करते बहुत दूर अयोध्या से दूर निकल गए और वन में शिकार करते करते थक गए, शाम हो गई। पास ही में कहे नरेश का राज्य था, वे महाराज दशरथ के मित्र थे। वे सोचे कि आज रात वहीं रहेंगे, कल सवेरे अयोध्या लौट जाएं, इसलिए उनके पहुंचने गए। उनको देख करके कहे नरेश ने उनका बड़ा अभिवादन किया, अभिनंदन करके और उनको रात में वहां पर विशेष रूप से सुविधा दे करके निवास कराए और अपनी युवती पुत्री कैकई को उनकी सेवा में अतिथि सत्कार करने के लिए नियुक्त कर। कैकई रूप और गुण से संपन्न थी और विशेष करके परम सुंदरी थी। उसने अपनी सेवा से अतिथि सत्कार से महाराज दशरथ का चित्त मुग्ध कर दिया। दूसरे दिन सवेरे महाराज दशरथ कैकई नरेश के कैकई के पिता से आदेश मांगने के लिए गए कि अब अयोध्या में मैं लौटना। उनके यहाँ गए, उन्होंने आभार प्रकट किया, महाराज आपके आतिथ्य सत्कार से मैं बहुत प्रसन्न, विशेषकर कि आपकी इस रूपवती गुणवती लड़की ने हमारी जो सब प्रकार से सेवा की है उसको मैं भूल नहीं सकता। एक निवेदन आपसे है, यदि आप इस लड़की को हमारे साथ में वैवाहिक संबंध करा दें तो आपका उपकार मानें। राजा गंभीर होकर के उत्तर दिया, महाराज ये संभव पर नहीं हो सकता, मैं तो अपनी पुत्री का विवाह उससे दूंगा जिसका पुत्र राजा बने, दूसरे को नहीं दे सकता। आपकी बहुत सी रानियां हैं, आपके बहुत से पुत्र होंगे, तो आप तो बड़े पुत्र को ही राज्य देंगे, इसे विवाह नहीं दे। महाराज दशरथ हंस करके बोले, महाराज आप जानते नहीं हैं, हमारे 360 रानियां हैं, 5 रानी हैं, किंतु किसी को पुत्र नहीं है, और यदि इसको पुत्र हो गया तो यही राजा बनेगा, क्योंकि उनको तो कोई पुत्र नहीं। मैं सहर्ष इसको स्वीकार करता हूं कि इसी का पुत्र राजा दिया। राजा ने प्रतिज्ञा करा करके और उनके साथ में कई कई को इच्छा की, बड़े धूमधाम से शादी हुई। कैकई राजभवन में रहने लगी, कौशल्या तो उनकी पुरानी पत्नियों में श्रेष्ठ थी, किंतु ये भी युवती और बड़ी सुंदरी सगुण संपन्न राजा का चित्त मुक्त कर। और उसी समय देवता लोग महाराज दशरथ ने आए, हम लोगों के साथ में देवताओं और दानवों का युद्ध हो रहा, कृपा करके आप सेनापति बन करके और हमारी रक्षा करें। दशरथ तो वीर थे ही, उन्होंने स्वीकार कर दिया और कैकई को साथ लेकर के युद्ध भूमि में गए। युद्ध भूमि में घमासान युद्ध हुआ, उसमें महाराज दशरथ कुछ बाण चित्त हो गए
और उनके रथ की धुरी टूट गई। कैकेयी ने झट उतर करके रथ के चक्के को ऊपर उठा दिया धुरी को, और उसमें महाराज दशरथ उन लोगों से लड़ करके विजय प्राप्त। विजय होने के बाद में महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुम वर मांगो, आज हमारे जीवन की रक्षा की है और दैत्य दानवों के युद्ध में तुमने हमारी सहायता यदि नहीं करती तो हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, वर मांगो। तो वर मांग लो, एक तो हमारी प्राण की रक्षा की और दूसरे रस के धूरी को उठाया। उसने कहा कि आप और हम हिंद तो है नहीं, इन्हें बर की कोई जरूरत नहीं। फिर भी बोले नहीं तुम मांगो। तो उसने कहा कि अच्छा अभी तो जरूरत है, जब जरूरत होगी तो मैं मांगूंगा, हमारा बर आपके पास में थाती रहे। ठीक है, इसके बाद में महाराज दशरथ एक दिन शिकार करने के लिए गए। सप्तवेणी आप जानते थे, शब्द को सुन करके जहां से शब्द आ रहा है उसको मस्त। रात का समय था, शाम के समय अब अंधेरा हो चुका था। एक सरोवर या नदी के तट पर उनको शब्द कुछ सुनाई दिया, ये हाथी या सिंह पानी पी रहा है, बस अपने बाण की परीक्षा के लिए वहीं से सप्तवेदी बाण मारा और मारते हैं हाय बरा, ऐसा सब हुआ। क्या हुआ, निकट पहुंचे तो देखा, अरे ये तो एक बालक है, युवक, ये तो गलती से भूल हो गई, ये ऋषि कुमार है कोई। वहां पर पहुंच करके बाण निकाला किंतु वो मर गया। मरते समय बोला मैं माता पिता की सेवा के लिए, मेरे माता पिता अंध हैं, मैं उनको पानी पीने के लिए आया था ले जाने के लिए, वही खड़ा मैं डुबा रहा था, उसके शब्द सुनते ही आपने मुझे मारा बिना निर्दोष। अभी आप जाइए मेरे पिता माता के साथ में पास में, और नहीं तो तुमको ऐसा अभिशाप देगा जो तुम नष्ट हो जाओ। डरते डरते पानी का कलश लेकर के महाराज दशरथ और उसको भी श्रवण कुमार को लेकर के महाराज दशरथ के उस ऋषि अंधक के पास ले गए। वो लोग अंधे और अंधी अपने बेटा की प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत प्यासे थे, उसके आने की आहट समझकर, अरे बेटा तू इतना विलंब किया, हम लोग पानी के बिना तप रहा है, जल्दी से पानी पिलाओ। वो महाराज दशरथ बोले नहीं, उनके हाथ में खड़ा दे दिया। अरे तू बोलता क्यों नहीं है, तुम कौन है बतलाओ जल्दी, हमारा बेटा कहाँ है। डरते हुए बोले प्रभु आपके लड़के को मैंने धोखा से मार डाला है, वो मर गया, आप लोग पानी पीजिए। अरे पानी पिलाएगा करके हाय हाय करते हुए वो उनकी स्त्री छाती पीट हाय बेटा हाय बेटा प्राण त्यागने लगे और बोले महाराज दशरथ जिस प्रकार से हम अपने बेटे के लिए हाय हाय करते मर रहे हैं, तू भी हाय हाय करते हुए अपने बेटे के लिए तड़प तड़प करके अभिशाप लगा। इसके बाद बड़े दुखी मन से लौट आए। बहुत दिन हो गया, बात को भूल गए, बहुत दिन हो गया। महाराज दशरथ को कैकेयी से भी पुत्र नहीं हुआ। वशिष्ठ से उन्होंने परामर्श किया, मंत्रियों से परामर्श किया, महाराज आप एक बात कीजिए, मन में सिंगरी ऋषि सिंगरी ऋषि रहते हैं, बालकपन से ही स्त्री को कभी नहीं देखा,
अंग देश में, माने बिहार में पानी नहीं हो रहा था, बरस रहा था, बहुत दिनों से सुखाड़ पड़ा, लोग पानी के लिए तड़प पड़ा रहे। उस समय ने सुना यदि ऋषि सिंह यहाँ आए तो पानी बरस सकता है। उन्होंने 5-7 युवा लड़कियों को, वेश्याओं को भेजा, बंठन करके गई और बीच बीच में ऋषि सिंह से मिलती गई। धीरे धीरे उन्होंने तो स्त्री को देखा नहीं, अब उनके व्यवहार से, मधुर व्यवहार, मधुर बोली से बसी दूध हो। वो किसी बहाने बना करके शहर में ले आई और वहां से धीरे धीरे उनको अंग राज्य में ले गई और राजा के लड़के से, लड़की से उनका विवाह शांता और दशरथ महाराज की लड़की थी उनको गोद दिया था, उसे उसकी शादी हुई। वर्षा प्रचुर हुई। महाराज आप ऋषिंग को बुलाइए और उसे पुत्रष्टि यज्ञ कराइए, आपको जरूर पैदा हो। सुमंत्र जी को भेजा अपने मंत्री को और अंग राजा से प्रार्थना करके शांता और ऋषिंग को बुलवाया। वो लोग आए, वशिष्ठ जी ने यज्ञ की तैयारी की और इसमें ब्रह्मा बने ऋषि सिंह, बड़े अच्छी तरह से वेद विधियों से यज्ञ हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर जैसे ही ऋषि सिंह ने आहुति दी, बड़ा तेजस्वी आग जैसा उस आहुति से एक पुरुष निकला, मोछे और दाढ़ी की, बहुत ही सुंदर सुपुरुष, हाथ में सोने की एक फाल थी, चांदी के ठकने से ढका हुआ था। नकली महाराज दशरथ, देवताओं ने इस खीर को बनाया है, इसके खाने से ही पुत्र जरूर होगा, आप लीजिए और अपनी प्यारी पत्नियों को इसको दे, उनके खाने के साथ ही साथ में गर्भवती होगी पुत्र तेजस्वी। महाराज बड़े बड़े प्रसन्न हुए, उनकी चारों तरफ से परिक्रमा की, सौस्तुत की और वहीं पर अग्नि देवता अंतर ध्यान हुए। फिर उन्होंने फल लेकर के रनिवास में गए, उसमें से जितनी खीर थी आधा कौशल्या को और बाकी जो बचा उसका आधा करके सुमित्रा जी को दी और नहीं आधा जो बचा उसका आधा सुमित्रा जी को दिया और फिर जो बच गया उसको कैकेयी को दिया। कैकेयी ने आधा अपने लिया और आधा सुमित्रा जी को दी, तो दूसरों सुमित्रा जी को दो भाग मिल गया, कैकेयी को एक भाग और आधा भाग कौशल्या को। इसलिए कौशल्या के गर्भ से स्वयं भगवान रामचंद्र जी और सुमित्रा के गर्भ से दो लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी स्वयं बलदेव प्रभु हैं, शेष के अवतार कहे जाते हैं या शेष इनका अवतार है और शत्रुघ्न जी शायद शक्र की या किसके अवतार है। इस प्रकार से वो खिलाया गया और उसे उनको पुत्र होने पर रामचंद्र जी बड़े दूसरे नंबर पर पैदा हुए भरत, इसके बाद लक्ष्मण जी बड़े होते गए। वशिष्ठ के आश्रम में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद में तात्पर्य क्या है, रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न पैदा हुए
वो पुरुष से पैदा नहीं हुए, दशरथ के रजो विद्य से पैदा नहीं हुए, कहां से हुए? वो यज्ञ मैंने क्या भगवत इच्छा से, इसलिए वो जोड़ी नहीं है। जैसे कृष्ण देवी के घर से पैदा तो हुए, किंतु कैसे? वो मंत्र से वसुदेव जी के, और वसुदेव जी के मंत्र से उनको हुआ, गर्भजात नहीं, ऐसे ही इनको सब। Understand that Ram is Krishna, or Krishna has come in the form of Ramachandraji in order to give, as Marjana Purushottam, in order to give proper teachings on behavior, or Marjana. How one brother should behave towards another brother, how the son should behave towards the parents, how the king should behave towards the citizens, how the wife should serve the husband. These teachings were all given by Krishna in the form of Ram. Ramchandra appeared in the Solar dynasty. His forefathers were big, big kings like Bhagadatta Maharaj and Iswaku. Because his chariot had conquered the 10 directions, therefore king's name was Dasarath. One day, as he went hunting, Dasarath Maharaj strayed very far away from Ayodhya. Realizing that it was not, he was unable to return to Ayodhya that night, he stayed at the house of his friend Kaikeyi Naresh, one king. That night he stayed there, and the daughter of King Naresh served Dasarath Maharaj completely. The daughter's name was Kaikeyi. She served so perfectly and exemplarily that she captured the mind of Dasarath Maharaj. Therefore, in the morning before he left, Dasarath Maharaj prayed to his friend, King Kaikeyi Naresh, that I cannot forget the seva of your daughter. I want to make a proper relationship with her through marriage. The king became very grave and said, but there is one condition, that the son of my daughter must be king. But you have 360 wives, therefore how is it possible? Dasarath Maharaj laughed. Even though I have so many wives, as yet I have had no son. Therefore a son comes from Kaikeyi, it's a matter of good fortune. Therefore he agreed. And the marriage was performed in a very large and ceremonious fashion. Kausalya was senior to all, but by her beauty and by her seva, Kaikeyi completely captured the mind of Dasarath Maharaj. At that time, knowing that there would be a big war between the demigods and the deities, the demons, the demigods approached Dasarath Maharaj and asked him to fight on their behalf. Therefore, Dasarath Maharaj took Kaikeyi as his charioteer. During the fight, the axle that was holding the wheel to the axle became broken, and Kaikeyi rescued the chariot. Therefore, by this, Dasarath Maharaj was doubly impressed by Kaikeyi. He said, not only you protected my life, but also, if you had not saved my chariot, I could not have achieved the victory. Therefore, I want to give you two benedictions. Kaikeyi smiled and said, I have no need of your benedictions, you keep them to yourself. At a later date, I may ask for them.
Therefore, Dasar Maharaj, at another time, he went hunting. He had the ability to shoot an arrow just at towards any sound. Therefore, night had come, he heard a sound, glug glug. He thought maybe that is some elephant or some lion drinking water from the river. Therefore, he shot his arrow, but he heard a human-like cry, "Alas, I am dead." Dasar Maharaj ran there, and the young boy, Shravan Kumar, the arrow had pierced his chest. He said, "I am dying, but please take this pitcher of water to my blind mother and father, otherwise I will curse you." Therefore, Dasar Maharaj took Shravan Kumar and the pot of water to the parents. When they heard him coming, "Oh, my son," they said, "we are very thirsty, give us some water." "Or why you are not speaking?" Without saying anything, Dasar Maharaj placed the pot of water in the hands of mother and father and said, "I am not your son. I am Dasar Maharaj and I have killed your son by accident." Therefore, the mother and father began to lament, "My son, my son." They said, "We curse you, Dasar Maharaj. Just as we are dying in separation from our son, you will also die in separation from your son." But as time passed, Dasar Maharaj forgot about this. Up till now, Dasar Maharaj had had no sons. Therefore, taking advice from Valmiki Ji, Guru Valmiki, and the other ministers, they invited Sringhi Rishi to perform a yajna on behalf of Dasar Maharaj to produce a son. Sringhi Rishi had never seen a woman. Therefore, the king of Bihar, Angaraj, by trick, he dressed some young prostitutes as rishis. And anyhow, by their sweet voice and everything, they captured Sringhi Rishi and took him to Bihar. And there he married the daughter of Angaraj. So, Sumantri, the chief minister of Dasar Maharaj, took Sringhi Rishi from Bihar after praying to the king of Anga and brought him to perform yajna on behalf of Dasar Maharaj. So expertly he performed the yajna as he offered the last oblation into the fire. A very fantastic person came out, very beautiful, with nice mustache and beard. In his hands he had a silver pot and said, golden pot, covered with a silver lid, and said, "King, this sweet rice has been made by the demigods. Give this to your favorite wife. Whoever eats this sweet rice will produce a very powerful child." Therefore, Dasar Maharaj cut the sweet rice in half. Half he gave to his senior wife, Kausalya. The other half he gave to Sumitra. Sumitraji took her half and made it into half and gave to Kaikeyi. Kaikeyi took her half, made it into half, and gave the extra portion to Sumitra. As a result of this, Kausalya gave birth to Bhagawan Ramchandra. Sumitra Devi, because she took two portions of sweet rice, she gave birth to Lakshman, who is an incarnation of Shesh or Balaram, you can think. And Satrughna, some say he is an incarnation of Sudarshan Chakra. And last, Kaikeyi gave birth to Bharat, who is the second born. Therefore, we should understand the birth of Ram was not by any material, mundane man and wife relationship. The birth of Ram was caused by yajna, or you should understand by the desire of Bhagawan. Just like Krishna did not take birth by any mundane relationship between Vasudev Maharaj and Devaki, but Bhagawan Krishna appeared in the womb of Devaki because Vasudev Maharaj had chanted mantra into the ears of Devaki. सारे रामायण के पात्रों को विचार करें तो केवकी कैकेयी का चरित्र लोगों की दृष्टि में ऐसा नीचा है, निम्न कोटि का। कोई भी अपनी लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखता, कोई भी। इसीलिए उसका चरित्र ऐसा है कि रामचंद्र जी को वनवास तो किंतु कैकेयी के चरित्र पर गहन रूप से गंभीर से विचार करने पर कैकेयी का चरित्र सर्वोत्तम है। उसने इतना कलंक सहकर के भी
राम की इच्छा को पूर्ति किया। एक बार रामचंद्र कैकेयी के गोद में बैठे थे। रामचंद्र जी को कैकेयी कौशल्या से भी अधिक प्रीति करती, तो उसके गोदी में बैठे थे। रामचंद्र जी ने कहा, भैया मैं तुमसे एक बात मांगता हूं, यह सच बात है कि देवताओं का कार्य के लिए मैं आया हूं, वन में नहीं जाने से देवताओं का कार्य नहीं होगा, असुरों का संहार नहीं होगा, इसलिए तुमसे ये वर मांगता हूं कि समय आने पर तुम ख्याल रख करके हमको वनवास के लिए महाराज दशरथ से प्रतिज्ञा करा चाहिए, तो मैं मरने लगी नहीं कर सकती अभी नहीं, तो इसका मतलब है हमें स्नेह नहीं करती थी। राम ने बहुत समझाया तो कैकेयी मान ली। आप विचार करें कैकेयी ने क्या दोष किया, महाराज दशरथ ने प्रतिज्ञा की इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही राजा होगा, और वो अपने वचन से टल रहे थे, उनको सीधे रास्ते पर ला करके याद दिया दिलाया, रघुकुल री सदा चली आई प्राण जाय परी, उन्होंने तो प्रतिज्ञा की है मेरे पिता से, इसके इसका ही पुत्र राजगद्दी पर बैठा था, मैं कह रही अब ये मुकर रहे हैं, राम को ही राज्य दे रहे हैं, इसलिए ऐसा करने से उनकी प्रतिज्ञा भंग हो, इसलिए उनसे दो बार मांग लिए और वो भी पूजा के कहने से रामचंद्र जी का वनवास हो, भक्त का राज्य हो। और दूसरी बात, यदि नहीं मानते तो रामचंद्र जी ने जो कैकेयी से प्रतिज्ञा कराई थी ये भी पूरा नहीं होता। इन सब विचार करने से ऐसा मालूम होता है कैकेयी कलंक सह करके भी रामचंद्र जी के प्रार्थना पर ऐसा वर मांगा, नहीं तो वो कभी नहीं मांगा, और वो भी नहीं मांगती सरस्वती देवी उसके जीवा पर बैठ कर जबरदस्ती ये मंगवा दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कैकेयी का चरित्र एक महान चरित्र है, वो यदि नहीं होती असुरों का संहार नहीं होता, देवताओं का कार्य नहीं होता, रावण हार था पृथ्वी के लिए, भूभार भी हरण नहीं होता, और सो जो रामचंद्र जी की बड़ी करुणात्मक लीलाएं हैं ये लीलाएं भी संपन्न नहीं होती, क्योंकि वो ऐसा नहीं होता। इसलिए रामचंद्र के लिए एक प्रधान पात्र और Therefore, simply by externally reading Ramayana, many people think that Kaikeyi's character is not so good. In fact, even today, nobody calls their daughter Kaikeyi. But if we look in a deep manner, actually, Kaikeyi's character is the topmost, because she completely fulfilled the desires of Ram. Actually, Ramji loved Kaikeyi even more than Kausalya. Therefore, one day, as a baby, he was on her lap and he asked, "Oh mother, I have one prayer, one desire. I have heard that I came to this world on behalf of the demigods. But if I stay in Ayodhya, I cannot complete that work. Therefore, I wish to finish the demons. Therefore, at a proper time, please arrange to send me to the forest so I can kill the demons." Kaikeyi had no desire. She said, "Does that mean that I do not love you, that you are asking such a thing from me?"
But Lord Ram in many ways made her understand. One thing that Dasharatha Maharaj had promised the father of Kaikeyi, that her son would be king. Therefore, in order to fulfill the promise of his father, Ram asked this benediction. Therefore, through the arrangement of Mansara, the kubja of Ram's pastimes, that she arranged to have Bharat made as king and Ram sent to the forest for 12 years. Actually, Kaikeyi, even she had no desire to ask such a thing from her husband, but still Saraswati forcibly sat on her tongue and she asked for those two benedictions. Therefore, we look in a deep way, Kaikeyi's character is very great. If there was no Kaikeyi and no asking these two benedictions, there would be no killing of Ram. There would be no Kurunath Ravan. And there would be no very Kurunath means sympathetic, very pathetic pastimes of Ram in the forest. Bhakti ka लक्षण है अन्ना विलासिता कुंडम ज्ञान कर्मा ज्ञानाम अनकुंडे कृष्णाम सुदन भक्ति का लक्षण अनुकुलीन कृष्णाम सुदन कृष्ण के लिए ही अपनी सारी इंद्रियों से तन मन वचन आत्मा सबसे भावना से जो चेष्टाएं होती हैं गुरु वैष्णव के अनुगत्य में निरंतर तेज धारावत किंतु ध्यान में रहे जो कुछ भी हो रहा है चेष्टा कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण के लिए इसमें हम देखते हैं भरत जी का उदाहरण भरत जी अपने मामा के यहाँ से ननिहाल से लौट करके आए देखा सारी अयोध्या सुनने पड़ी कोई उनको देख करके मुख फिर करके सभी चले जाए उनसे कोई बात नहीं करते क्या बात हो गई सीधे वो गए सोचा कि मेरी मैया के पास में महाराज दशरथ पिताजी होंगे वहीं पर महाराज दशरथ से दिल खुल गए वहां जाते ही कैकेयी सफेद कपड़े में थी सिर का सुहाग भी नहीं था उसने भरत जी की आरती उतारी और उतार करके बड़े आदर के साथ में घर में ले जाने लगी वहां पर जाने के बाद में आज पिताजी कहाँ है बिचारी तो स्वर्ग सिधार गए अच्छा हमारे राम भैया कहाँ है वो तो पन में चले क्यों ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए मैंने कि तुमको राज्य में वो तुम माता नहीं गाइंड है यदि राम हमको कुछ नहीं कहते तो तुमको मार डाल और शोक तुम नकुब्जा की एक बात मारा और मारने के लिए जा रहे थे रोने लगी तो हर चीज ने उसे बचा दिया अरे भाई राम सुनेंगे तो बहुत नाराज जान से मारो मत छोड़ दिया इसके बाद में वशिष्ठ जी और सब सभासदों को बुला करके वशिष्ठ जी ने कहा पिता ने तुमको राजी लिया है तुम ले कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता राज्याधिकारी पिता का बड़ा पुत्र होता है राम हमारे पिता के समान है मैं राज्य नहीं लूंगा संकल्प किया राम को मना करके गए चित्रकूट में सारी सेनाओं के साथ सब सारी माताओं के साथ वशिष्ठ इत्यादि ऋषियों के साथ में गए लक्ष्मण जी तीर धनुष लेकर के तैयार थे कि भरत चतुरंगिनी से ला को लेकर से राम को मारने के लिए आ रहा पेट पर चढ़ करके देखा और धनुष बाण लेने के लिए आए तो राम कहां जा रहे हैं
अवतार आया है उसको मारने के लिए जा, सारी पृथ्वी उसकी रक्षा करेगी, कोई नहीं रक्षा, उसे जरूर मारूंगा। राम ने कहा जैसे मार तो उसको मार तो सकते ही है, तो इसमें संदेह नहीं, विज्ञान पूरी कर सकते, किंतु सोच विचार करके करो, नहीं तो पीछे पछताना होता है। ठहर जाओ, भक्त को मैं जानता हूं, भक्ति का वो पृथ्वी में एक आदर्श उदाहरण है, भक्त को तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। थोड़ी देर के बाद में वशिष्ठ, भरत जी और कुछ गिने गिने लोग आए, आराम से मिले। लक्ष्मण जी कहा जी भैया आप लौट चलिए, यह राज्य आपका है, आपके तिलक के लिए अभिषेक के लिए सारा सामान लाया। यह सुन करके लक्ष्मण जी को बड़ी ग्लानि, और भैया हमने आपके चरणों में बहुत अपराध किया, आप क्षमा कीजिए, तो तुम मुझे मार क्यों नहीं दिया। भरत जी बोले तब तो मेरा पास प्रायश्चित हो जाता। फिर रात में वहां जो है पिताजी की मृत्यु का संवाद सुना, वहां पर नदी में जाकर के उनका पिंड दान दिया चित्रकूट में, और देने के बाद में विराट सभा बैठी। उसके पहले भरत जी माता कौशल्या के पास गए, माता तुमसे एक बात जान, मैं यदि सत्य हूं मेरी बात ठीक हो, राम आपका कहना नहीं टाल सकता, अतः राम से कहो जाओ अयोध्या को लौट जाए, राम की हिम्मत नहीं है जो नहीं लौटेंगे। भैया लेकिन मैं कैसे कर सकती, धर्म की वो मर्यादा है, तुम प्रेम की सीमा हो यह मानती हूं, किंतु मैं से नहीं, अब जो अपना धर्म छोड़ करके पिताजी का आदेश छोड़ करके वो चला है, मैं नहीं कर सकता। क्या तुम्हें क्या गलत हूं, तो नहीं गलत नहीं हो, ठीक हो, तुम अपने स्थान पर प्रेम क्या क्या बस प्रेम की थोड़ी हो, और राम मर्यादा है, वो अपने जैसे समुद्र में हिमालय डूब जाएगा किंतु लहर से भी टसमस नहीं होगा, तुम्हारे प्रेम में राम डूब जाएगा किंतु अपने विचार से मर्यादा से नहीं, और मैं ऐसी कह नहीं सकता। वशिष्ठ जी के यहां है, वशिष्ठ जी ने मैं कैसे कहूं जो धर्म को छोड़ दे, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करो तुम उनके बदले में तुम जाओ वन में, और वो वन को लौट जाए, इसका तो अनुमोदन कर दूंगा। आज बहुत अच्छा, तो आप कह दीजिए, मैं कहूंगा नहीं, तुम कहो। वहां से निराश हो गए। फिर सुनैना जी महाराज जनक भी उसी समय में आ गए, आज बहुत अच्छा हो गया, मैं मोह में था, वशिष्ठ जी ने कहा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं सब कुछ भूल गया भक्त के प्रेम में, इसलिए मैं ठीक ठीक विचार नहीं कर सकता। महाराज जनक जी ब्रह्मर्षि हैं, उनको मोह नहीं है, जो उचित होगा वही है। सुनाने के पास में भरत जी गए, बोले भैया सीता जी खाली पैर में बन बन में डोलेंगी, आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप राम से कह करके सीता जी को वनवास होता है। उन्हें कहा मैं अपने पति जनक जी से कहूंगी, वो जैसा विचार होगा वो ठीक कहें, इच्छा थी जय राम लौट जाए सीता जी के साथ। दूसरे दिन विराट सभा बसी, एक तरफ में राम एक तरफ में धर्म, राम सीता लक्ष्मण, और दूसरी तरफ में शत्रुघ्न भरत और सारी माताएं, एक तरफ में सब ऋषि मुनि बैठे, महाराज जनक भी आए। महाराज वशिष्ठ ने कहा इस समय रघुकुल महाविपत्ति में फंसा हुआ है, सागर में डूब रहा है,
उसको खेने वाला कोई नहीं। बड़े आनंद की बात है, महाराज जनक आ गए। ये समदर्शी हैं, विचार निपुण हैं, इसलिए इनसे निवेदन किया जाए कि ऐसे गंभीर अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। पर उन्होंने निवेदन किया महाराज जनक से। जनक जी बोले, यदि सभी लोग को मान्य है, आपत्ति नहीं है, जैसा हमारे गुरु शंकर जी कहलाएंगे वैसा कहूंगा। राम की तरफ में देखा, राम ने कहा कि आपका जो भी आदेश होगा कहेंगे, अयोध्या के लिए मैं लौट जाऊंगा। भरत की तरफ में देखा, आप जो कुछ निर्णय देंगे मैं ग्रहण करूंगा। और इसके बाद में आंख में बंद करके भगवान शंकर का उन्होंने ध्यान किया। और इसके बाद में बोले, भरत की इसमें जीत हुई है। सुन करके सभी लोग बड़ी प्रसन्न, अब ये लौटेंगे। भरत की जीत हुई, राम को इनकी बात माननी हुई। किंतु देखो एक बात है, प्रेम की भी एक अपनी मर्यादा होती है। प्रेमी को प्रेम के लिए, अपने प्रेम के वस्तु के लिए अपना सब कुछ दे देना होता है, उससे लेना कुछ नहीं होता। यदि तुम्हारे इष्ट देव राम हैं, राम के चरण में गिर करके उनसे पूछो तुम क्या चाहते हो, और वैसा ही करो। भरत जी सुन करके उनकी आंखें खुल गई। अभी तक मैं अपने लिए कह रहा था, अपना सुख देखता था, राम के जाने से मुझे प्रसन्नता हो, किंतु राम की प्रसन्नता कैसे, ये तो विचार नहीं करता। भक्ति में यही चीज, साधक को विचार करना चाहिए, प्रेमी को विचार करना चाहिए, हमारा इष्ट देव क्या चाहता है उसके लिए सब कुछ कुर्बान करना। भक्त जी ने उनके चरणों में शीश नवाकर कहा, आज हमारे आप गुरु हैं, हमारी आंखों को आपने खोल दिया। रामचंद्र जी के पास में गए और उनके चरणों में निवेदन किया, आपको क्या करने में खुशी होगी ये बतलाइए, मैं वही करूंगा। रामचंद्र जी ने कहा, देखो तुम्हारी तो विजय कह लेती है, इसलिए राज्य मैंने ले लिया, अब राज्य तुम्हारा नहीं, राज्य मेरा है। भरत जी बड़े प्रसन्न हुए, ये लौट जाए। किंतु राम जी ने कहा, देखो राज्य अब मेरा है, तुम प्रतिनिधि होकर के 14 वर्ष के लिए इसकी रक्षा करो, मेरे राज्य की प्रतिनिधि बनो, और मैं 14 वर्ष के बाद में 1 सेकंड की देरी नहीं करूंगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। भरत जी तो रोने लगे, फिर कहा जी ठीक है, आप अपनी खड़ाऊ दीजिए। खड़ाऊ ली और उसको सिर पर धारण किया।